हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। तभी युद्ध में जादुई धनुष एपिरस गुम हो गया। जो जीता वो देवता बन गए। हारने वाले टाइटंस पुकारे गए और उन्हें हमेशा के लिए टार्टरस माउंटेन की गुफाओं में कैद कर दिया गया। प्रेजेंट में किंग हिपेरियन को दिखाया जाता है और ये कल फेडरा जो भविष्य देख सकती थी अपनी बहनों को बताती है हिपेरियन आ गया है, हमें जाना होगा। हिपेरियन उनकी जगह पर हमला करता है और जीतता है। वहाँ वो अंदर आता है, उसे प्रिस्ट रोकता है और कहता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। हिपेरियन ओरेकल के बारे में पूछता है। प्रिस्ट हिपेरियन से कहता है देवताओं के बारे में सोचो। हिपेरियन कहता है वो कहाँ थे जब मेरा परिवार तड़पते हुए मर गया। तुम्हारे देवता मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं टाइटन्स को आजाद करूंगा। फिर वो प्रिस्ट को खत्म कर देता है। हमें मूवी के मेन कैरेक्टर थीसस को दिखाया जाता है। वहाँ इमरजेंसी बेल बजाई जाती है, बाहर सभी आते हैं। जनरल हिलियोस सभी को बताता है हमें यहाँ से जाना होगा टार्टरस माउंटेन की दीवारों के पार ताकि हम सुरक्षित रह सके। हिपेरियन और उसकी सेना यहाँ आती ही होगी। थीसस अपनी मदर एथिरा को साथ ले जाने लगता है। वहाँ एक सैनिक लाइसेंडर उसे रोकता है और कहता है तुम कल आना। वो उसे टोंट मारता है तो थीसस कहता है मेरा भी खून तुम्हारी तरह लाल है। लाइसेंडर कहता है पता नहीं ये किसका खून है। ऐसा सुनते ही थीसस को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर उसे पकड़ लेता है। वहाँ हीलियोस आता है और उसे विश्वास दिलाता है। फिर वो उसकी दिलेरी से प्रभावित होता है और उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है। थीसस उसके ऊपर को टुकरा कर वहाँ से चला जाता है। हीलियोस लाइसेंडर को सेना से फायर कर देता है। थीसस बूढ़े आदमी के पास आकर बैठता है जिसे वो बड़े मियाँ कहता है। वो उसे चलने के लिए कहता है। बड़े मियाँ कहते हैं मैं अब थक गया हूँ। वो थीसस को सुझाव देते हैं सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है, सही तरीके से जीना जरूरी है। बड़े मियाँ को दिखाया जाता है, वो ज्यूस है एक देवता। उससे उसकी बेटी एथिना मिलने आती है। वो कहती है आप उस इंसान से क्यों मिलने आते हैं। ज्यूस कहता है वो किसी चीज से नहीं डरता, वो सिर्फ अपने लोगों को बचाने में नाकाम होने से डरता है। वो हमारी आखिरी उम्मीद है हिपेरियन के खिलाफ। लाइसेंडर धोखा देकर हिपेरियन के पास जाता है पर हिपेरियन गद्दारों पर विश्वास नहीं करता। वो उसे ऐसी सजा देता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। अगले दिन थीसस बड़े मियाँ को ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलते। फिर वो पुरानी यादों को याद करता है जब बड़े मियाँ ने उसे ट्रेनिंग दी थी। हिपेरियन के सैनिक आकर सभी को मारते हैं। थीसस उन्हें छुपके देखता है। वो थीसस की मदर एथिरा को पकड़ कर मारने वाले होते हैं। थीसस उन पर हमला करता है और उनको एक एक कर मारने लगता है। सभी सैनिक इकट्ठे होकर थीसस को पकड़ लेते हैं। हिपेरियन वहाँ आकर उसकी माँ को मार देता है और थीसस को नमक के खदानों में काम करने के लिए भेज देता है। स्वर्ग में एथिना कहती है हिपेरियन बहुत ही बेरहम है, उसने एपिरस धनुष को ढूंढने के लिए सभी जगह विनाश कर रखा है। वहाँ ज्यूस आता है तो एक देवता कहता है क्या हमें दखल नहीं देना चाहिए। तो ज्यूस कहता है देवता जब तक दखल नहीं देंगे जब तक टाइटंस आजाद नहीं हो जाते, उन्हें खुद ही अपनी समस्या का सामना करना होगा। ज्यूस सभी देवताओं को चेतावनी देकर कहते हैं अगर तुमने किसी भी इंसान की मदद करने की कोशिश की तो उसकी सजा होगी मौत। धरती पर थीसस की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी माँ के गम में और काम करते करते थक चुका था और मरने वाला था। वहाँ ओरेकल फेडरा आती है। वो थीसस से टच होती है, उसे फ्यूचर दिखता है। फिर वो पानी पीती है और वहाँ एक चोर सेवरुस होता है। वो उसके साथ मिलकर प्लान बनाती है और कहती है उस गुलाम को भी साथ ले लेना और सभी रात को यहाँ से भागेंगी। रात को फेडरा अपनी बहनों को बताती है पानी के किनारे मैंने एक गुलाम को देखा, उस पर देवताओं की कृपा है, अगर वो हिपेरियन से मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ सैनिक आकर उनसे बदतमीजी करते हैं, वो सभी सैनिकों को मार देती है। वहाँ दंगा भड़क जाता है। फेडरा थीसस सेवरस और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रात को थीसस फेडरा से कहता है शायद तुम्हें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हें आने वाला कल दिखाई देता है। फेडरा कहती है कुछ लोग तो मेरी इस शक्ति को देवताओं का वरदान मानते हैं।
थीसियस कहता है, इसे वरदान कैसे मान ले, तुम भविष्य देख सकती हो पर बदल नहीं सकती। फिर थीसियस पूछता है, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। पेट्रा कहती है, ये सवाल तो एक नास्तिक ही कर सकता है। थीसियस कहता है, मेरी माँ श्रद्धालु औरत थी, देवता उनकी मदद के लिए तब भी नहीं आए जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। पेट्रा कहती है, हम दोनों ही परेशान हैं, तुम गुजरे हुए कल के लिए और मैं आने वाले कल के लिए। अगले दिन नमक की खदान में हिपेरियन आता है और वो पेट्रा की बहनों को देखता है। वो उनसे एपिरस धनुष के बारे में पूछता है, वो सभी कहती है मैं ही ओरेकल हूँ। तो एक सैनिक कहता है, चौथी वाली भी यही कह रही थी, ये चार लड़कियां थी, इनमें से एक भाग गई तालाब के गुलामों के साथ। हिपेरियन फिर उस सैनिक को वहीं मार देता है और अपने वफादार मैंड्रैगन से उसे ढूंढने की कहता है। दूसरी तरफ समंदर में थीसियस और उसके साथी बोट को चुराने का प्लान बनाते हैं जो सामने से आ रही थी। फिर वो बोट पर चढ़ते हैं, वहाँ हिपेरियन के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। पोसाइडन स्वर्ग से छलांग लगाता है समंदर में, वहाँ समुद्री तूफान आता है और वो तूफान सब कुछ तबाह कर देता है। थीसियस और उसके साथी वहाँ से भाग कर छुपते हैं। थीसियस फेड्रा से पूछता है, तुम सब जानती थी ना, हम बच जाएंगे। फेड्रा कहती है, होनी को मैं भाप लेती हूँ। थीसियस पूछता है, तुमने और क्या देखा। फेड्रा कहती है, तुम हिपेरियन को गले लगाए खड़े हुए हो एपिरस धनुष के साथ। थीसियस कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरी माँ को मारा था। फेड्रा पूछती है, क्या तुमने अपने मदर के क्रीमेंटेशन रिचुअल्स को पूरा किया। थीसियस मना करता है, वो वही है जहाँ उनकी जान गई थी। फेड्रा कहती है, तुम्हें सभी रिचुअल्स कंप्लीट करने होंगे अपनी मदर के। थीसियस कहता है, मैं देवताओं को नहीं मानता। फेड्रा कहती है, पर वो तो मानती थी। फिर वो सीधा वहीं जाते हैं। हिपेरियन के सैनिक हिपेरियन को खबर देते हैं। हिपेरियन बीस्ट को उनके पीछे भेजता है, मैंड्रैगन को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद टार्टरस माउंटेन पर जाने की तैयारी करता है। थीसियस घर आकर क्रीमेंटेशन के रिचुअल्स को फॉलो करता है। जब वो पत्थर को अंदर भेज रहा होता है तो अटक जाता है। थीसियस वहाँ एक चट्टान को तोड़ने लगता है, उसे एपिरस धनुष मिलता है। वहाँ बीस्ट आकर थीसियस पर हमला करता है। थीसियस के हाथ से धनुष गिर जाता है और वो छुप जाता है। तभी बीस्ट उसे पकड़ लेता है और थीसियस और बीस्ट के बीच फाइट होती है। बीस्ट थीसियस पर भारी पड़ रहा होता है, तभी थीसियस बीस्ट के पास पैरों पर वार कर उसे मार कर उसका सर अलग कर देता है। बीस्ट वहीं मर जाता है। थीसियस बाहर आता है, वो देखता है उसके दोस्तों को हिपेरियन के सैनिकों ने पकड़ लिया, वो उन्हें मारने वाले होते हैं। फिर थीसियस एपिरस धनुष से एक साथ बहुत सारे तीर चलाकर उनको मार देता है। रात को फेड्रा थीसियस के घावों का इलाज करती है। थीसियस कहता है, माँ सही थी। फेड्रा कहती है, तुम्हारी माँ की मौत जाया नहीं गई, किस्मत तुम्हें यहाँ वापस लाई धनुष के लिए। तुम्हारे हाथों हेलेनिक्स को जीत मिलेगी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, वो रात साथ बिताते हैं। फेड्रा कहती है, तुम सही थे, मेरी शक्तियाँ एक श्राप है, मैं इस दुनिया को खुद की आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर फेड्रा की भविष्य देखने की शक्तियाँ चली जाती हैं और वो एक आम इंसान बन जाती है। थीसियस फिर आगे मठ जाता है। मठ पर आने के बाद वो कुछ आवाजें आती हैं, वो देखते हैं ये फेड्रा की बहनों की आवाजें थी। वो नीचे आते हैं और देखते हैं फेड्रा की बहनें बैल में कैद थी, वो उन्हें बैल से बाहर निकालते हैं। फेड्रा की बहनें मरने वाली थी, हिपेरियन के सैनिकों ने उन्हें ट्रैप में फंसा लिया। वहाँ उनके बीच फाइट होती है, धनुष गिर जाता है, एक हाइना धनुष को लेकर भाग जाता है। हिपेरियन के सैनिक थीसियस सेवरोस को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ देव एरिस आता है और उन सभी को एक एक कर खत्म कर देता है। एथिना वहाँ गुड़े लाती है और थीसियस सभी को जाने के लिए कहती है। वहाँ ज्यूस आता है, एरिस कहता है, मैंने सिर्फ इंसान की रक्षा के लिए कानून तोड़ा है। ज्यूस उसे खत्म कर देता है और कहता है, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम एकदम अकेले हो। मुझे तुम पर भरोसा है थीसियस, मुझे सही साबित करना, अपने लोगों की रक्षा करो। फिर सभी माउंट आर्टरस जाते हैं। आईना हिपेरियन को धनुष लाकर देता है। एक सैनिक हिपेरियन को बताता है, वो देवता थे, आसमान से आए, उन्होंने उस गुलाम को बचाया जो ओरेकल के साथ था, वो उनकी तरफ से लड़े, वो बहुत ताकतवर थे। फिर हिपेरियन उस सैनिक को वहीं मार देता है ताकि बार बार ना फैले और सेना में
कोई घबराए ना, थीसियस हीलियोस से मिलता है। हिपेरियन लाइसेंटर से थीसियस के बारे में सारी जानकारी लेता है। थीसियस किंग कैसेंडर से मिलता है और बताता है एपिरस धनुष हिपेरियन के हाथ लग चुका है। किंग कैसेंडर कहते हैं, मैंने भी बचपन में ऐसी कहानियां सुनी हैं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। थीसियस कहता है, युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। पर किंग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। फिर किंग कहता है, कोई राजा जंग नहीं चाहता, बस उस समझौते के लिए आपका साथ चाहता है। रात को उनके पास एक हिपेरियन का दूत आता है और थीसियस से मिलने को कहता है। थीसियस उसके पास जाता है। हिपेरियन का दूत उसे बातों में बहकाने की कोशिश करता है, पर थीसियस कहता है, क्या उसे पता है मैं तलवार की धार पर उसका खून देखने के लिए जिंदा हूँ? क्या उसे पता है उसने मेरी माँ को मारा था? फिर वह दूत अपना मास्क उतारता है, वो हिपेरियन था। फिर हिपेरियन कहता है, अब उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया, पता चल गया। थीसियस हिपेरियन को मारने के लिए बढ़ता है, पर वहाँ हिपेरियन के सैनिक भी थे। हिपेरियन कहता है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, मेरा साथ दो। इस जंग के बाद भी मेरे अस्तित्व के निशान इस दुनिया पर हमेशा रहेंगे और तुम्हारा तोहफा होगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। थीसियस कहता है, कर्म अमर होते हैं, शरीर तो लाश है। फिर थीसियस वापस चला आता है। वापस आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तो थीसियस कहता है, युद्ध की तैयारी करो। रात को फेडरा थीसियस को कहती है, तुम्हें अपनी असलियत को पहचानना होगा, देवताओं ने सही चुना है। सभी तैयारी शुरू करते हैं और प्लानिंग करते हैं। अगले दिन हिपेरियन एपिरस धनुष से एक तीर मारता है और वो मजबूत दीवार को एक झटके में तोड़ देता है। हीलियस उस हमले में घायल होता है। सभी सैनिक हीलियस के घायल होने से डर जाते हैं और वापस भागते हैं। तो थीसियस उन्हें एक स्पीच देता है और कहता है, हमें डट कर लड़ना होगा। फिर वो सभी साथ इकट्ठा होकर लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। हिपेरियन की सेना आती है, वो सभी उनका डट कर मुकाबला करते हैं। उन सभी में जबरदस्त फाइट होती है। थीसियस की सेना डट कर लड़ रही थी। हिपेरियन अंदर आकर हीलियस को मार देता है। फिर वो ऊपर जाता है, वह किंग कैसेंडर समझौते के लिए कहते हैं, पर हिपेरियन उसका सर अलग कर चला जाता है। हिपेरियन फिर वहाँ चट्टानों को तोड़ता है। थीसियस एंड स्लैवरोस उसके पीछे जाते हैं। हिपेरियन को टाइटन कैद हुए दिखते हैं। थीसियस एंड स्लैवरोस से रोकने के लिए जाते हैं। हिपेरियन टाइटन को आजाद कर देता है और एक धमाका होता है, स्लैवरोस घायल होता है। वो थीसियस को कहता है, मुझे धनुष मिल गया, तुम यहाँ से जाओ, मैं इनका मुकाबला करता हूँ। फिर वो टाइटन्स पर वार करता है। टाइटन्स स्लैवरोस को मार देते हैं। वहाँ सभी देवता आते हैं। ज्यूस धनुष को तोड़ देता है और थीसियस को कहता है, अब तुम जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं रही, हिपेरियन को ढूंढ कर खत्म कर दो। सभी देवता टाइटन्स को मारने लगते हैं। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ थीसियस जाता है। रास्ते में उस पर हिपेरियन हमला कर नाइफ से स्टैब करता है। थीसियस घायल हो जाता है। देवताओं पर टाइटन्स भारी पड़ने लगी थी, वो उनको एक एक कर मारने लगते हैं। हिपेरियन थीसियस से कहता है, मरो देवताओं के साथ। थीसियस फिर वापस हमला करता है। हिपेरियन थीसियस पर भारी पड़ रहा होता है। टाइटन्स एथिना को पकड़ कर घायल कर देते हैं। एथिना कहती है, ज्यूस इंसानों को मत भूलना, वो वहीं दम तोड़ देती है। वहाँ सभी देवता कमजोर पड़ रहे थे। ज्यूस फिर अपनी ताकत से माउंट आर्टरस को गिनाने लगता है। हिपेरियन थीसियस को कहता है, कैसा लगता है जब तुम्हारा कोई नाम निशान नहीं बचेगा? थीसियस कहता है, मैं जीत गया, मेरी मौत को सभी याद रखेंगे, मेरे कर्म इतिहास में अमर होंगे। थीसियस एक हथियार उठाता है चुपके से। हिपेरियन फिर उसे मारने वाला होता है। थीसियस हिपेरियन के पैर पर हमला कर उसे घायल कर देता है। उसके चाकू से उसे मारने वाला होता है। ज्यूस को पोसाइडन कहता है, जल्दी करो, ज्यूस माउंट आर्टरस को गिरा देता है। थीसियस हिपेरियन को कहता है, गौर से मेरी आंखों में देखो, इसके बाद तुम कुछ नहीं देखोगे। थीसियस फिर हिपेरियन को मार देता है। माउंट आर्टरस गिरता है। टाइटन्स वहीं नीचे दबकर मर जाते हैं और हिपेरियन की सेना भी पहाड़ के नीचे आकर खत्म हो जाती है। ज्यूस एथिना को लेकर वहाँ से चला जाता है और थीसियस को भी अपने साथ ले जाता है। युद्ध खत्म हो चुका है। कुछ समय बाद थीसियस का बेटा एकमस को वहीं बूढ़े मियाँ बताते हैं, कभी बिना विश्वास के जीने वाला थीसियस इंसानियत पर अपनी जान दे गया और देवताओं
का ओहदा पा लिया। एगमेस फिर एक चीज को टच करता है, उसे फ्यूचर दिखता है, जैसे उसकी मदर फ्यूचर देख सकती थी वो भी देख सकता है। बड़े मियाँ कहते हैं, जो तुमने देखा उसे घबराओ मत, मैं तुम्हारे पिता को जानता था, वो एक जाबाज इंसान थे, जल्दी ही तुम्हारा भी समय आएगा, स्वर्ग में जंग छिड़ेगी, तुम्हारे पिता भी वहाँ होंगे, वो भी लड़ेंगे तुम्हारे भविष्य के लिए। एगमेस फिर फ्यूचर देखता है, आसमान में देवता और टाइटंस के बीच युद्ध हो रहा है, थीसियस भी वहाँ युद्ध लड़ रहा है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।